सतारा रमजान करीम तारीख के अंदर एक ऐसा ही वाक़ है जिस तरह ताला ने खुद जिक्र फरमाया और तारीख इस्लाम दी एक इस्लाम और कुफर दी पहली जंग जड़ी हुई है मगर अकल दंग रह जाती है इस मुकाम पर खड़े हो गए कि किस तरह वो जंग उस सतारा रमजान गर्मी का मौसम तपते हुए पत्थर तपती हुई रेन रोजा भी रखा हुआ है वो भी इफ्तार नहीं किया आका करीम का खैमा खैमे अलीस कहते हैं अज इत बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है मकामे बदल पे उनकी सरकार का खैमा अलीस मस्जिद है किस तरह जानबाजी के नाल ते आका करीम ने अल्लाह की बारगाह आरजू की पेश की थी दुआ की पेश की थी की अर्ज की थी कि याद ना रात का पिछला पहर है मेरे को यही चंद नौजवान सन जिद बुढ़े भी शामिल हैं चंद नौजवान शामिल हैं कुछ नौखेज नौजवान शामिल हैं मैं उन्होंने लैके ते तेरी बारगाह हाजिर हूं याद ना करीम ये बचेंगे तो तेरा दीन बचेगा अगर ये नुकसान चले गए तो बस नुकसान होएगा ये दुआ हो रही थी तो अहले कुफर ने जेड़े मुफर सन वो फिर रहे सन उन्होंने ये दुआ सुनी तो कुछ से हवा जो है वो जिस पास सूरज चढ़ता है ना उधर अड़िया चुक चुक के वेखते सर भी कहते वेले सूरज चढ़े एक दूजे को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अस बड़े बेताब हाँ साड़िया तलवार बड़िया बेताब हैं साढ़े डंडे सोटे बड़े बेताब हैं कि जल्दी ना सूरज तलू हो गए और असी जामे शहादत नोश करें मेरे आका करीम अपने खैमे चु बाहर तशरीफ लाए आके आपने जमीन उत्ते लकीर मारी आप फरमाया इत्थे अबू जहल वास्ते जहन्नम होएगा इत्थे फलाना आदमी जिहड़ा वह वास्ते जहन्नम होएगा इत्थे फलाना होएगा इतना बड़ा बहादुर इतना बड़ा नामवर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मगर जदों मौत ने आग दबोचिया तो दो छोटे छोटे नौकेर बच्चों के हथों वास्ते जहन्नम है और तारीख ने यह वक्त भी नोट किया आसमान ने यह वक्त भी वेख्या तो उन्होंने एक नौकेर बच्चा जोड़ा तो उसका बाजू कट गया और वो थोड़ा जहा होश का टुकड़ा ना ले तो वह बाजू जोड़ा वह लटकता पाया और तलवार नहीं चल सकती वो वेखा गया तारीख पर लिख रहे हैं तो उन्होंने वो बाजू थले रख के तो अपना पैर रख के इतने जोर का झटका दिता कि वह जो गोश थोड़ा जहा हटिया टूट गया और दर्द और तकलीफ महसूस नहीं की थी ते बिस बेताबी नाल बेतरे होके मैदान में आए कि रब ताला ने फरमाया कि हजारों की तादाद पांच हजार तक की तादाद मुफस्सरीन ने लिखी है कि फरिश्ते आसमान को कतार अंदर कतार आके अल्लाह के महबूब की मदद की थी उन्होंने मुजाहिदीन की मदद की थी कि मेरे रसूल ने जब इनाम की दिता जरा ये सुन लो कि आपने फरमाया कि कोई मुश्किल आ जाए कोई सिलसिला बन जाए तो शोदाए बदर के नाम दे इसाले सवाब वास्ते दो नफल पढ़ के उन्होंने इसाले सवाब करके उन्होंने वास्ता से वसीला रब की बारगाह पेश करो रब ताला तुहाडी दुआ रद नहीं करेगा सुभान अल्लाह मेरे भाइयों भैनों बच्चियों बेटियों आवाज आ रही है सोचो उन्होंने जज्बे की सन उन्होंने बच्चों मावा ने किस तरह रुखसत किया उन्होंने बुढ़िया अपन बीवियां ने किस तरह रुखसत किया उन्होंने जवानों को किस तरह रुखसत किया 313 बंदे टोटल सन तो हजारा की फौज अगे खलोती थी उसका मुकाबला करना सी मगर सहारा अल्लाह का तो फिर उसके महबूब करीम का सी जिसके सहारे देते ये जंग लड़ी गई और रब ताला ने फतह और नुसरत के नाल नवाजिया अज भी अगर कोई ऐसा मामला आवे तो असी अल्लाह ताला के रस्ते जान दीवारी आए तो ठीक है मगर ना कम अज कम अपना माल जोड़ा है वो उन्होंने सदके के नाल असी जरूर सदकात करिए उन्होंने सवाब पहुँचाइए और उन्होंने सदके के नाल दुआवां मंगिए
आज हर घर परेशानी, हर घर हैरानगी, हर बंदा परेशान, हर बंदा, हर बच्ची बेटी बहन मेरी परेशान, कोई समझ नहीं आ रही, लखा दी आमदन है, बरकत कोई नहीं, घर दे विच इत्तेफाक कोई नहीं, हर बंदा बंदे के खिलाफ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि काश के दरसे कुरान हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, जब भी खुदा से अर्ज करता हूँ ऐ खुदा मेरा हाथ देख, तभी जवाब मिलता है अपना नाम आए आमाल हो। असी अज गाफल हो गए हैं, बहुत गाफल हो गए हैं, बच्चियां बेटियां गाफल हो गई, मर्द गाफल हो गए, अज पता नहीं की हो गया, जागो बेदार हो, ऐ महीना कमाई का महीना है जरा साढ़े को जा रहा है, कि कुछ इस महीने च होया, पुराने करीम का नजूर होया, इमाम अली मकाम की पैदाश हुई, हजरत खदीजा तो कुबरा का मिसाल होया, हजरत मौला अली पाक की शहादत हुई, बहुत कुछ होया इस महीने से भी, एक एक लफ्ज एक एक मामला जड़ा है उसे दिल खून दिया होता है, मगर रब की तकदीर गालब है, रब की तकदीर गालब है, अल्लाह पाक उन्हें नफूस खुशिया दे, नक्श कदर से चलने तौफीक अता फरमाए, तमाम दोस्त अहबाब भाई बहना बच्चियां बेटियां वास्ते मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दे नक्श कदर से चलने तौफीक अता फरमाए, और वो मोहब्बत खालिस अता फरमाए रसूलुल्लाह दी, जेड़ी ओ मुजाहिदीन बदर और शोदाए बदर दे दिल में सी, अल्लाह ताला सानू ओ मोहब्बत लगन ते मुल्बत ते निस्बत रसूल अल्लाह ताला आमीन बिजाह करा।